तरक्की करो और खूब मेहनत करो, अपने पर विश्वास रखो। जिंदगी सबकी बनती है, पर सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ध्यान दीजिए, दूसरों की नहीं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवरत नगरवाल है। मैं दोस्तों ये एक वीडियो जो है ये मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है अगर आप इस वीडियो को पॉजिटिव लें। मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आपका क्या मोटिव है? कि आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिर्फ इसलिए करना है कि कोई दूसरा कर रहा है? या क्योंकि दोस्तों मैंने अधिकतर सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस की है, जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले जो उन स्टूडेंट को, उनको नहीं जिनको अच्छा काम करना है या जिनको आगे जाके अच्छा काम जो करने ही वाले हैं, जो 100% जो अपने जो एरिया में अच्छा बड़ा एक सेटअप बनाएंगे और एक दिन बहुत अच्छा काम करेंगे सभी लोगों का, और बने बने जो दुकानदार हैं उनके मोबाइल बनाएंगे, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कुछ चुनिंदा उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ वही काम सीखने के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि हम एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें परफेक्शन के लिए। उनको लगता है कि एक कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने बारे में बताता है कि वो किस तरह से पढ़ा रहा है या किसी भी तरीके से वो अपना को एक्सप्लेन करता है, तो उनको लगता है कि यार इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, हम जाएंगे हमें कुछ नॉलेज है नहीं है। सच होता है और वाकई में किसी को नॉलेज नहीं होता, तो उनको लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट से निकलूँगा तो सीधा अभी मैं एक ऐसी दुकान खोलूँगा जहाँ पर मैं दुकानदारों के डैड मोबाइलों को बनाऊँ। सच होता है ऐसे स्टूडेंट पर हंसी सी आती है कभी कभी। दोस्तों ये वीडियो को मैंने पहले कहा है एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ले तो। दोस्तों क्या लक्ष्य है आपके? आपने कभी सोचा है आपका लक्ष्य क्या है, आपका मोटिव क्या है? क्या आपको वाकई में सीखना है? क्या आपने सिर्फ या तो सिर्फ दूसरा, आपके पास कोई काम नहीं है आज की डेट में, आज आप खाली बैठे हुए हैं, आपके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है, आपको कोई ना कोई एक बिजनेस करना है, तो आपने सोचा कि चलो मोबाइल रिपेयरिंग का ही बिजनेस कर लेता हूँ। मैं पहले ही बोला मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में मोबाइल रिपेयरिंग का या किसी का भी, जैसे अगर आप दवाइयों का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप किसी सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी दुकान में आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आप किसी का भी बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों सच बताइए कितना लेवल का इंटरेस्ट आपके जहन में लेके आप उस बिजनेस को शुरू करते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या वाकई में ये बिजनेस जो आप कर रहे हो ये वाकई में आपके इंटरेस्ट का बिजनेस है? दोस्तों इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या सिर्फ एक चीज को जानना सिर्फ इंटरेस्ट होता है, या फिर अपनी नींद को खोकर जब तक कि वो चीज ना जान ले तब तक सोए नहीं, वो एक इंटरेस्ट होता है? जुनून? क्या सिर्फ कुछ ही दिन में जीरो से हीरो बनना इंटरेस्ट होता है, या फिर परफेक्शन जो कि समय समय पर ट्रेनिंग लेते लेते समय समय पर प्रैक्टिस करके और अपने पर भरोसा करके कि एक दिन मैं हीरो जरूर बनूंगा जीरो, वो इंटरेस्ट होता है? क्या इंटरेस्ट? यही मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी सिर्फ यही सोचते हैं कि कोई जादू मंत्र होगा जो इंस्टीट्यूट वाले फूंक देते हैं और ये जो स्टूडेंट होते हैं इतना अच्छे काम कर रहे हैं। रीज़न इसके पीछे दोस्तों क्या है? क्या हो सकता है रीज़न इसके पीछे? मैं ये वीडियो बनाना पड़ रहा है बहुत सारे चीज़ों को लेकर, और क्योंकि मैं उन स्टूडेंट के दिमाग के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के दिल के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ वाकई में अगर ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर है कि यार मैं इस बिजनेस में क्यों जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई मुझे बोल रहा है, तो बिल्कुल बताइए इस बिजनेस में। हाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरे दो बैच पहले की एक बात है। एक शाहरुख खान करके, उसका रियल में नाम शाहरुख खान है, अगर वो वीडियो देख रहा होगा आई होप, तो वो करके एक स्टूडेंट मेरे पास आया था और पहला दिन था मेरी क्लास का, और मैं हमेशा पहले दिन अपनी क्लास में किसी का भी नाम नहीं पूछता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग पहले मुझे जाने कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या सारी चीज़ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि हाँ सर उस लेवल पे हैं तो फिर वो अपने आप ही खुद ही एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। पर दोस्तों जब मैं, क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट को पढ़ा है, लगभग 1000 के ऊपर स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ा कर जब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे देख कर ही समझ में आ जाता है कि किसमें कितना इंटरेस्ट है। दोस्तों आ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं और सच बताएं हर किसी न किसी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट भरे हुए होंगे, किसी के पास भी काम की कमी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास काम नहीं है और मोबाइल रिपेयरिंग से अच्छा काम लोगों को अभी कोई समझ में नहीं आता है। बात तो सही है, ये जॉब ओरिएंटेड बिजनेस है, यहाँ पर अच्छा काम, अच्छे काम से अच्छे दाम मिल सकते हैं, बट दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है सक्सेसफुल, ये है मेहनत और प्रैक्टिस
और ये नहीं सोच के कि कुछ ही दिन में करना है, ये सोच के कि करेंगे और भविष्य में आगे अच्छा करेंगे, ये ना सोच के कि हाँ अब तो जाकर सीधे बिल्कुल खेल कर देना है। दोस्तों ये सोच तो किसी भी बिजनेस में अप्लाई नहीं होती है। बड़े बड़े IITian भी जब अपने इंस्टीट्यूट को छोड़ते हैं और किसी कंपनी को जाते हैं तो भी पहले कंपनी उनको फिर से सेल्फ ट्रेनिंग देती है कि वो उनका काम को समझ पाएं, और उसके बाद भी ये धीरे धीरे उस ट्रेनिंग के पर्पस पे वो काम करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। ये नहीं थी सीधे आते ही कंपनी का CEO बन गए और कंपनी रन करने लग गए। दोस्तों क्या हम समझते हैं चीजों को? हमें लगता है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ इस तरह से जादू मंत्र फूंक रहे हैं कि बस जाएंगे और जब आएंगे तो परफेक्शन होगा। पर दोस्तों सच बताऊं, मैं ऐसे स्टूडेंट को भी सिखाया है हम लोगों ने जिन्होंने वाकई में कुछ नहीं किया पर उनके अंदर जुनून लेवल बहुत गजब का है। जब वो क्लास में रहते हैं तो वाकई में वो क्लास में ही रहते हैं, उनका दिमाग और ध्यान उनका वहीं रहता है जहां हम चाहते हैं। पर मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जैसे मैंने बताया कि शाहरुख खान की, पहले दिन में ही देख कर पता चल जाता है कि आंखें किधर है, सोच किधर है। मैं सच बताऊं मैंने उसको दूसरे दिन अपनी क्लास से निकाल दिया सिर्फ ये रीजन से कि आगे जाके ये स्टूडेंट अगर कुछ नहीं सीखा तो ये मेरा नाम खराब करे। ये सोच के मैं स्टूडेंट को निकाल दिया, पर दोस्तों इसमें मैंने उसकी जिंदगी बनाई है सच बताऊं, क्योंकि वो असल में मुझे जब पता चला कि उसके भाई उसको यहाँ छोड़ने आया है, वो मे बी 26-27 साल का एक लड़का था जिसको उसका बड़ा भाई छोड़ने आया हो। रीज़न ये कि उसका भाई चाहता था कि वो मोबाइल रिपेयरिंग करे और वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था दोस्तों, और इनको लगता है कि हाँ कि कर लेंगे तो बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका इंटरेस्ट उसमें होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने सुना ना ताली दोनों हाथों से बजती है, तो एक ताली अगर हम हैं तो दूसरी ताली आप भी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वही लोग जिनमें अंदर जुनून है कि मैं यहां ट्रेन होने आया हूं, परफेक्ट होने नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी परफेक्ट नहीं है आज की डेट में। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं परफेक्ट होने आया हूं, मैं यहां से सीख के बस बूम बूम करने वाला हूं, तो दोस्तों मैं सच बताऊं कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बूम बूम करा सकता है। बट जब तक कि आप अपने अंदर वो चीज़ को लेकर नहीं बैठे कि मुझे बूम बूम करना है। दोस्तों मेरे साथ ऐसे दोस्तों मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को अपने जानता हूँ जो इतनी रात तक मेहनत करते हैं कि सवेरा भी उनसे बोलता है कि भाई अब तो सो जा। और सच बताऊँ उनको देखता हूँ तो उनको देख कर अंदर आग लगती है कि काश आज ऐसे स्टूडेंट हम उनकी एज में होते तो आज हम दुनिया को पार कर लेते, दुनिया जीत लेते। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव और एक यही है और यही रहेगा कि आप किसी भी फील्ड को चुनें, आप किसी भी सेगमेंट में जाएं, किसी भी जॉब को चुनें, पर पहले अपना इंटरेस्ट जरूर जान लें, और अगर इंटरेस्ट है तो सच्चे दिल से काम करें। दोस्तों अंदर से आग आनी चाहिए। आपने कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी आपने प्रैक्टिकल किया है तो रात में जाके उसको एक बार जरूर दोहराएं, उसको एक बार नोटपैड में जरूर लिखें, ये जानते हुए भी कि मुझे सब कुछ आता है। अगर आप ऐसे एटीट्यूड रखेंगे तो आप जिंदगी में कभी सीख नहीं पाएंगे। और दोस्तों सीखने का मजा तभी आता है जब हमको लगता है हमें सब कुछ पता है, तो फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने का मजा तब आता है जब हम जीरो लेवल से सीखें, क्योंकि अगर आपको वाकई में सब कुछ आता है तो आप फिर इंस्टीट्यूट क्यों आए हैं सीखने के लिए। मैं ये समझता हूँ अगर आपको सब पता है और आप अपडेट होने आए हैं, मुझे पता आप अपडेट होने आए हैं, पर आप अगर जीरो लेवल से बैठकर सीखेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगी। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करता हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हम बहुत ही दिमाग से कमजोर हैं, हमको थोड़ा ज़्यादा हम पर ध्यान दीजिए, हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताइए सर। आने से पहले ही उसको डाउट होते हैं, ऑब्वियस है, तो हम उनसे यही पूछते हैं कि यार आप मन बुद्धि हैं, ये किसने बताया आपको? बोलते हैं नहीं सर हमको लगता है हम मन बुद्धि, हम पढ़ नहीं पाए, हम लिख नहीं पाए, सारी चीज़ें। सो मैंने बताया आपने अंदर ही डिसाइड कर लिया कि आप मन बुद्धि हैं, यही तो खामी है कि हम अपने अंदर ही निगेटिव कितने हैं दोस्तों। अच्छा उसी मन बुद्धि के साथ दोस्तों मैं सच बताऊँ, मैं जब एक मूवी गया था तो मैंने उसी स्टूडेंट के साथ उसको लेकर मैं मूवी गया उसको दिखाने के लिए, और अपने साथ कुछ और स्टूडेंट थे, पर मैंने उस स्टूडेंट को पूरा वॉच किया, पूरी मूवी देखी उस स्टूडेंट ने। और जब मैं हम लोग मूवी देखकर निकले और मैंने उस स्टूडेंट से पूछा अच्छा वो जो गाना आया था ये वाला गाना कौन से सीन में आया था, तो उसने वो बताया। अच्छा वो हीरो का क्या नाम था उस पिक्चर में, तो उसने वो बताया। मैंने बातों ही बातों में उससे पूरी पिक्चर
सुन ली दोस्तों, सच बताऊं अगर वो वाकई में मंदबुद्धि है तो 3 घंटे की मूवी वो कैसे दिमाग में रख पाया? क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट जो हम पिक्चर में एंटरटेन होने के लिए रखते हैं, वो क्यों ना वो इंटरेस्ट अपनी जिंदगी में अपने आप की लाइफ बनाने के लिए रखें। दोस्तों क्यों आप इंटरटेन होने के लिए कुछ भी देख सकते हो, कितने भी घंटे एक जैसे बैठ सकते हो, क्यों नहीं जिंदगी बनाने के लिए 5 घंटे या 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं? दोस्तों कितना अंतर है आपने देखा यहाँ पर। एक स्टूडेंट जो अपने आपको मंदबुद्धि कहता है, पूरी पिक्चर दिमाग में बिठा ली, जबकि उसको बोला नहीं गया कि तो पिक्चर याद कर, जबकि उसको बोला नहीं गया कि पिक्चर लिख, जबकि उसको बोला नहीं गया कि देख तेरे को हीरो का नाम रटना है, पर उसने अपनी सारी चीजों को दिमाग में रखा, क्योंकि दोस्तों उसने अपने आप को मंदबुद्धि अपने कैरियर में माना है, रियल लाइफ में माना है, पर असल लाइफ में वो हीरो है दोस्तों। पर ये सारी हमारी सोच है, ये चीज सोच को बदलिए। आप अपने अंदर क्या सोचते हैं? आप वाकई में एक मंदबुद्धि है या वाकई में एक अकलमंद है? दोस्तों मैं सच बताऊं, एक अकलमंद सोचना या मंदबुद्धि सोचना ये बेवकूफी होते हैं। मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैं एक लर्नर हूँ? मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैं अभी की एज में सिर्फ सीखना चाहता हूँ? जिस वक्त मेरा बल्ला चलेगा उस वक्त छक्का लगेगा, ये क्यों नहीं सोचता मैं? ये क्यों सोचता हूँ कि बस नहीं मुझे तो तीसरे दिन में छक्का मारना ही है? दोस्तों ये सोच कभी मत रखिए। मैं सच बताऊँ, जिस दिन आप मेहनत करते जाएंगे और मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे, हर दिन आपका टफ होता जाएगा, हर दिन आप गिरेंगे, हर दिन आपको लोग धक्का मारेंगे, हर दिन लोग आपको खींचेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो आपके गले में हाथ डाल के घूमते थे, ऐसे ऐसे लोग जो आपके पैर छूते थे, वो भी आपको गाली बकेंगे, पर उस दिन आपको हार नहीं माननी है। दोस्तों जब लोग आपसे कब बात करते हैं, आपके बारे में कब बात करते हैं? जब आप लोगों के यहाँ नहीं, जब आप लोगों के यहाँ होते हैं, तो वो लोग आपसे आपको सिर्फ आपको ही देखते रहते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। जब आप लोगों के यहाँ रहते हैं ना, तो वो आपको कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप भी हमेशा अपने से बेटर क्वालिटी या बेटर स्टैंडर्ड के पर्सन से बात करना चाहते हैं। अगर हम अपने अंदर झांकेंगे नहीं, अगर मैं अपने अंदर नहीं झांकूंगा और अपनी जो मेरी माइनस पॉइंट है, जो भी मेरी वीकनेस है, मैं उस पर नहीं काम करूंगा, तो मैं किसी के बारे में मैं कब तक बोलूंगा दोस्तों? क्योंकि मैं किसी के बारे में बोल के उसको लेट डाउन करके, ना वो लेट डाउन हो रहा है, उल्टा मेरा समय वेस्ट हो रहा है। दोस्तों मैं सच बताऊं, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो जीरो से हीरो तो बनना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि कुछ मंत्र हो, क्योंकि बहुत से लोग ये भी समझते हैं दोस्तों आईआईटी कर लेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, 60 लोग जब आईआईटी करते हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूट में आईआईटीएन एज ए आईटीएन पढ़ रहे हैं, सो उसमें से भी 10 लोग ऐसे निकलते हैं जो उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते। क्या दोस्तों ये फॉल्ट इंस्टीट्यूट का है? क्या वो उस टीचर का है जिन्होंने वो 20 लोगों की तो जिंदगी बना दी और उनको दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया, पर वो 10 लोग क्योंकि उन्होंने अंदर से ही आग पैदा नहीं की, उन्होंने अंदर से ही नहीं पढ़ा, उनको तो लगता है कि जो उन्होंने दे दिया वही ले लिया, अंदर से उन्होंने खुद का कुछ कभी आउटपुट नहीं निकाला, कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस पर भी मेहनत करूं, मैं इसको भी आगे बढ़ाऊं, कभी ये नहीं सोचा कि जो मुझे कराया गया है मैं उसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करूं, कभी ये नहीं सोचा दोस्तों कि यार मैं खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करूं। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये कहना चाहता हूं कि सफलता का सिर्फ एक ही सूत्र है दोस्तों, एक ही। पहली चीज, अपने अंदर विश्वास रखो कि हाँ आप मन बुद्धि नहीं हो, और दोस्तों दूसरी चीज कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो सिर्फ उसी काम में ध्यान दो, उसी काम में 100% लगा दो, दिमाग के एक भी सिग्नल को किसी और सिग्नल के साथ पकड़ने मत दो। सच बताया दोस्तों, जब आपको लोग पुकारे आप किसी काम में हो और वो आपको 4 बार पुकारे और तब भी आप ना सुनो, और लोग बोले अबे भैड़ा हो गया, और लोग बोले अबे भैड़ा हो गया है क्या, तेरे को कब से पुकार रहा हूं, तब समझना कि तुम कामयाबी की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हो। सच बताओ दोस्तों, जिस दिन तुम्हारे दोस्त तुमको बोले अभी तू पागल हो चुका है, पागलों जैसा रहता है, पागलों जैसे बात करता है, तुम कामयाबी की दूसरी सीढ़ी पे चढ़ चुके हो। सच बताया दोस्तों, अगर आपके किसी एक दोस्त ने आपसे कह दिया कि भाई तू दिखता नहीं है, तू मिलता नहीं है, कहां रहता है तू, आप कामयाबी की तीसरी सीढ़ी पे चढ़ चुके हो। सच बताया तो दोस्तों, जिस दिन आपके घर वाले बोले कि तू खाता पीता कुछ नहीं है, दिन भर अपने कमरे में क्या करता रहता है, आप कामयाबी के चौथी सीढ़ी में चढ़ चुके हो। तो दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ इतना ही तक रखना चाहूंगा। आई होप कि आपने वीडियो को पूरा सुना हो, पसंद आया हो और पॉजिटिव लिया हो और इसको एक मोटिवेशनल वीडियो समझाओ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरह जुड़े रहिएगा। एसे टेलीकॉम देवेंद्र अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। तरक्की करो और खूब मेहनत करो, अपने पर विश्वास रखो, जिंदगी सबकी बनती है पर सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ध्यान दीजिए, दूसरों की नहीं। थैंक यू वेरी मच।